नमस्कार जी। हाँ जी सर, नमस्कार। तो सर अपना नाम बताओ सबसे पहले। ये मेरा नाम सागर है, इनका नाम द्वारका भाई घोड़ी वाले हैं। अच्छा, और आपका भैया? अच्छा, तो आप एक साथ मतलब फैमिली से हो या? नहीं, फैमिली से नहीं है, जैसे ये तीनों जानवर है, हमें जीजा साला है। अच्छा अच्छा, ये अपने काम करते हैं। जीजा साला है? हाँ, जीजा साला। क्या बात है यार, तुम्हारे यार मतलब बंदी जीजा साला के तो बोल दे। सुनो, जीजा साला के तो बोल दे, बंदी नहीं, आपका तो बहुत बंदी बोलता है। और हमारा दोनों बिजनेस एक साथ में। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब कहाँ के रहने वाले हो? हम अजमेर के रहने वाले हैं, गरीब निवास दरगाह के पास। अच्छा, ओहो क्या बात है यार। अच्छा, अजमेर से मैं पुष्कर का रहने वाला हूँ, जब अपन पड़ोसी हुए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो आप कब आए बालोतरा मेले में? अभी हमारे को 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? हाँ, जिसमें हम 5 घोड़ी लेके आए थे, जिसमें 2 घोड़ी सेल कर ली। दो घोड़ी सेल कर दी? हाँ, 2। अच्छा। सेल कर दी, एक बंदी हुए ठन पे। और ये घोड़ी नहीं खरीदी है। अच्छा, अभी परसों के दिन खरीदी है। अच्छा, और ये काली घोड़ी है, ये लाइन की है, और ये बच्ची भी लाइन की है। मारवाड़ी है क्या? ये मारवाड़ी है। मारवाड़ी, अच्छा। हाँ, तो ये इसकी बताओ डिटेल सबसे पहले। ये हमने तो जब ली थी ना, जब बिल्कुल कमजोर थी। अच्छा अच्छा, मेले से ली थी किस किसान से। अच्छा, तो हमने सोचा इसको पालेंगे, शेरवानी करेंगे। कितनी उम्र है इसकी? इसको उम्र 6 साल है अभी। 6 साल है? अच्छा, बाल बावर की क्लियर है? क्लियर है, हाइट 61 इसकी। अच्छा, देवमन थोड़ी है? देवमन नहीं है सर। बाल बावर की क्या हाइट होगी अभी इसकी? 61 है भैया। 61? अच्छा, तो ये सेल करोगे अगर कोई? देखो, बेचेगी तो ठीक है, ना तो वापस ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी कीमत मिलेगी तो बेचेंगे अपन। ऐसा नहीं है कि बेचना ही। हाँ। फिर भी मतलब कितनी मतलब दे देंगे इसको? 90-80 की दे देंगे। ओनली 80-90 हजार? हाँ। क्या बात है, अपन मांग तो रहे हैं इसके 1,10,000 रूपए। अच्छा, 20,000 मंगा रहे। तो अपने मतलब राजस्थान में इधर माल सस्ता है मतलब? हाँ वैसे, वरना भी पंजाब में जाओ तो तेरी तो पूछो मतलब। जैसे घोड़ी है वैसे कीमत है। अच्छा, ये बात है। नहीं, जैसे ये भी बात है। और ये बच्चा? ये बच्ची है, अपने गुलजार लाइन की। अच्छा। हाँ, कले की मतलब पोती है। किसकी? खली, खली घोड़ा ना। हाँ, पंजाब। हाँ, का उसकी पोती है। खली, खली। हाँ, खली घोड़े की पोती है। अच्छा, तो कितने महीने की है ये? 6 महीने की है। 6 महीने? इसकी माँ का नाम है पायल। वो कहाँ पे है? वो अजमेर में अपने पास खुद के पास है। 65 हाइट है उसकी। अच्छा, खुद की है ना? हाँ, पर्सनल है, घर की बच्ची है। घर की बच्ची है। इसका कितना मांग रहे हो? इसके हम 2,40 मांग रहे हैं। 2,40,000? हाँ, लाइन के हिसाब से। लाइन के हिसाब से मतलब ज्यादा बार्गेनिंग नहीं होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। 2,40,000 रुपए? अच्छा, देख तो बहुत खूबसूरत रही है, हाइट भी बढ़ जाएगी। हाँ, हाँ। ये क्या पैर के लग गए इसके? ये उसके आगे जब इसकी माँ से हम दूध छुड़वाया ना, अलग अलग करवाया, तो इसने थोड़ी बदमाशी की तो फंस गई थी। अच्छा, फुर्तीली? फुर्तीली बहुत है, बहुत बहुत। कट पॉइंट अच्छी है बच्ची के, कान कनौती अच्छी है, और बेदागे नुगरी गुलाबी चमड़े की है। हाँ सर। और ये आगे? ये हमने खरीदी है शादी के हिसाब से। अच्छा, अपना अजमेर हमारा सर्किल पे शादी ब्याह का काम है। अच्छा अच्छा। हाँ, 6-7 घोड़ी है। हाँ। और द्वारका भाई घोड़ी वाले के नाम से है। क्या नाम? द्वारका वाले? द्वारका भाई घोड़ी वाले। द्वारका भाई घोड़ी वाले के नाम से। तो ये तो अभी खरीदे सेल तो क्या करो? अगर अच्छी कीमत मिलेगी तो बेच देंगे ना, तो घर पे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मुनाफा मिलना चाहिए कि नहीं? मुनाफा मिलना चाहिए। मतलब अपना सेल परचेस का काम भी है और शादी ब्याह वाला भी अपना काम है। बग्गी वगैरह, ऊंट वगैरह, ढोल बैंड सब का काम, सब काम है। ग्राहक आएगा तो मतलब पूरा टेंडर ले लेते हैं। पूरा टेंडर खाली नहीं आएगा, खाली नहीं जाने। बहुत ज्यादा अलग होता है कि वो बैंड वाला नहीं आता टाइम पे, घोड़ी वाला नहीं आता, तो अपन पूरा टेंडर लेता हूँ, एक ही साथ में हो जाता है सारा कुछ काम है। हाँ, सारा काम है सर। तो इसकी कितनी उम्र है? इसकी उम्र है जिन्होंने ये 4 दांत मतलब हो गई है। 4 दांत हो गए। बाल भौरी की साफ है? बाल भौरी क्लियर है। आगे देवमन है इसके। हाँ, और अच्छी है तो थोड़ी हल्की फुलकारी में आती है। क्या हाइट होगी अभी इसकी? इसकी 60 होगी इसकी हाइट। और उम्र? उम्र तो हो गई समझ लो 7 साल, पकड़ लो 7 साल है लगभग। तो इसका कितना मांग रहे हो आप? अपन इसके 2,20 मांग रहे हैं, 1,80 तक इसको दे देंगे, सेल कर देंगे 1,80 में दे दोगे फाइनल। अच्छा, तो अपने एक बार कॉन्टेक्ट नंबर दे दो अगर। कॉन्टेक्ट लो 8769445670। नंबर चालू तो है ना? ओके बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हो, अगर आप अजमेर में रहने वाले, अजमेर पुष्कर में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सेल परचेस का काम भी करते हैं, शादी ब्याह का सारा कुछ काम करते हैं। और देख सकते हो यार, ये तो अजमेर वाले अपने पुष्कर वाले पड़ोस में ही हैं। क्या बात है। और
ये लाइन की बच्ची आप देख सकते हो और इसकी रेट हमने बता दी है। अगर आपको और कुछ कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप कमेंट करो, मैं नंबर दे दिए गए, आप मेरे से भी बात कर सकते हो और काफ़ी अच्छी है। ठीक भैया, धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद।